सत्यानाश। बहुत फीका सा लग रहा है यार ये। खुदा पहाड़ निकली चुईया। ओहो धुआं निकल रहा है इससे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। वाह वाह दोस्तों, इस बार हम लोग करने वाले हैं ये रोल द डाइस चैलेंज। हम लोग उछालेंगे डाइस को और जितना डाइस में नंबर आएगा, जैसे ये है 1 तो एक इंग्रेडिएंट से कुछ बनाना है। फिर से उछालेंगे, जितना नंबर आया, जैसे ये आया है 4 तो 4 इंग्रेडिएंट से कुछ बनाएंगे। आज का फूड चैलेंज 24 आवर्स का ऐसा होने वाला है। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या करेंगे खुराफात। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगला फूड चैलेंज कौन सा करें, कोई इंटरेस्टिंग वाला बताना। ये फेसबुक पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो फेसबुक पे डेली 2 वीडियोस चलती है, मजा आ जाएगा आपको देख। और हाँ, आपको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ रोल द डाइस चैलेंज में, ना प्रावा ना, ये काम नहीं करते हम लोग। बट स्टिल आप लोगों की तसल्ली के लिए हमारे पास जजेस भी है, आओ मिलवाता हूँ आपको जजेस से। ओ यार, हम दोनों आज बनेंगे मॉडरेटर्स, देखेंगे कोई चीटिंग ना हो। पांडा जी, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा डाइस आपको सही लग रहा है। देखिए ये वाला डाइस, ये वाला आप भी देख लीजिए, और ये वाला डाइस है, कोई हेरा फेरी नहीं है, देखो सारे के सारे नंबर्स है इसमें, कौन सा वाला ले फिर। हम लोग लेते हैं ये वाला डाइस। आज के दिन की फर्स्ट डिश, कितना नंबर आएगा। थोड़ा सा उधर चले गया। 5 दोस्तों, 5 इंग्रेडिएंट, और वो 5 इंग्रेडिएंट्स मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मतलब नमक मिर्च को हम इंग्रेडिएंट नहीं काउंट करेंगे, पानी को हम लोग इंग्रेडिएंट नहीं काउंट करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों, कैसी बातें कर रहे हो। 1 2 3, थोड़ा सा तीखा भी खाना है, 4 5 6, क्या यार, ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, इन दोनों के बिना मजा नहीं आता। शिमला मिर्च या मिर्ची, बहुत गर्मी हो रखी है अभी, शिमला वाली मिर्ची ले लेता हूँ, शायद खा के ठंडी लग जाए। ओहो धुआं निकल रहा है इससे। मैंने इसके अंदर यूज किया नमक, लाल मिर्च और ओरिगेनो सीजनिंग्स, और वो जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो तो भाई जरूरत है, फीका खाना थोड़ी खाना, मतलब ऐसा मतलब थोड़ी चलेगा। और केचप यूज करिए, हल्की सी केचप यूज करिए, एकदम बेसिक बेसिक चीजें। इंस्टेंट वो मस्त, और बहुत हैवी भी है। इसके अंदर आधी कटोरी सूजी, आधा कटोरा दही, कटोरा नहीं कटोरी, आधी कटोरी दही, सच्ची सच्ची झूठ मत बोलना किसी को, दही गिर गया होता है या दही गिर गई होता है, जो भी आधी कटोरी दही यूज किया है या दही यूज की है, दही यूज हुआ है इसमें। और एक प्याज, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर। अब इसको मैं आराम से खत्म करता हूँ और आप लोगों से शाम को मिलता हूँ। शाम को फिर से डाइस रोल करेंगे और देखते हैं पांडे जी कितने मेहरबान होते हैं और किस्मत कितनी मेहरबान होती है। मस्त बना, बहुत मस्त बना दोस्तों। इसको कहते हैं एक ट्राइपॉड, इनको कहते हैं ट्राइपॉड के पैर। जब ये सेंटर में होता है मतलब ट्राइपॉड सीधा है, कभी कभार ट्राइपॉड सीधा नहीं होता, उसका एक पैर टेढ़ा होता है, उससे वो ट्राइपॉड गिर जाता है। ऐसे में जो आपने उसके ऊपर लाइट रखी होती है तो वो गिर के टूट जाती है, बट थैंक्स टू सस्ता जुगाड़ हमने उसको जोड़ लिया है। बट जो इतनी सारी फेविक्विक बची है उसको मैंने बंद करा है, ये कभी भी मेरे से नहीं खुलती, दोबारा जब चाहिए होती है नया खोलना पड़ता है, क्योंकि ये फेविक्विक ढक्कन को भी सील कर देती है। 5:37 हो रहे हैं, खाने में इस टाइम पे कितने इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट पांडे जी। सत्यानाश, सत्यानाश हो इसका, सत्यानाश हो। What is this? What is this? अब जो आ गया वो करना पड़ेगा। क्यों दूसरे पांडा? I agree with पहला पांडा। मतलब नाइंसाफी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? एक इंग्रेडिएंट से क्या खाना बन सकता है? कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है। मेरा तो अभी दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा, मेरा मेरे को लग रहा है कि चिप्स ही खा लूं, चिप्स तो घर में पड़ा ही नहीं, नमकीन खा लूं या बिस्किट खा लूं या दूध ही पी लेता हूं। एक इंग्रेडिएंट की कीमत तुम क्या जानो, वीडियो देखने वाले बाबू या मोहतरमा।
ये चैलेंज का मेरे दिमाग में विचार पता कैसे आया, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा था और मैंने आप लोगों से लाइव करते हुए इंस्टाग्राम पे पूछा कि भाई क्या क्या चैलेंज करा जाए। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट करा, उनका यहाँ पे हैंडल आ रहा है, कि आप रोल द डाइस फूड चैलेंज करो। और मैं मूर्ख था जो मैं नहीं सोच पाया कि एक इंग्रेडिएंट से क्या बनेगा। बेसिकली इंग्रेडिएंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती है जो आपको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करनी होती है। केचप खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं होती, केचप बाद में आती है, एंड प्रोडक्ट मतलब केचप साइड में लगती है ऐसे, तो वो इंग्रेडिएंट नहीं माने जाएगी। कप नूडल्स इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, ये पैकेट खोलो, इसमें गर्म पानी डालो और फूल जाओ, 3 मिनट के बाद आना, पैकेट खोलना, फिर खाना और खुश हो जाना। पनीर भी अगर मैं कहीं से यूज़ कर रहा हूँ तो उन लोगों ने भी दूध को कड़ल कर करके पनीर बनाया उसका, उसके अंदर भी विनेगर वगैरह चीज़ें तो लगी है, बट मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है तो मेरे को जैसे पनीर रिसीव हुआ वो फाइनल प्रोडक्ट है, तो वो एक इंग्रेडिएंट माना जाएगा। ऐसे कप नूडल्स एक इंग्रेडिएंट माना जाएगा। तो इस लॉजिक से मैगी इज ऑल्सो वन इंग्रेडिएंट डिश। द स्पून इज हियर दोस्तों, ये वाला स्पून कैसे है, ये ओ भाई साहब दे सॉल्व द मैगी प्रॉब्लम। इतनी बढ़िया चीज़ को कोई फेंकता थोड़ी है। देखो मैगी वाला स्पून ना ऐसे था, यहाँ पे उसका बोर्ड था, तो ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे डब्बे में आ जाता है बॉक्स में। सो सैटिस्फाइंग, मैंने सिर्फ इस चीज़ के लिए रखा हुआ है स्पून को। ये वाला स्पून है ना, इसके अंदर वो आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये वाला स्पून, यस आई थिंक उप्स मैंने तोड़ दिया इसको, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैगी वाला स्पून इज़ गुड दोस्तों, सी टिफिन बॉक्स में, यहाँ पे वहाँ पे हर जगह में रिसाइकलेबल। दिस फेंको इसको, दिस बढ़िया। ओके बहुत हम लोगों ने नाटक लिया, ये पैकेट ये सब इसके अंदर डब्बे के अंदर इंक्लूडेड, डब्बे के अंदर सब कुछ है। ओ भाई साहब सब डब्बे के अंदर है, दिस इज ऑल इन द डब्बा, दैट हेंस वन इंग्रेडिएंट। उबलता हुआ गर्म पानी, बहुत फीका सा लग रहा है यार, ये सूप बन चुका है, ये पानी कम डाला था, जितना इन्होंने बोला उससे भी कम डाला था मैंने। नूडल्स पक चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। डब्बे भी देखो क्या क्या बना रहे, शिटाके मशरूम्स है, एस्पैरेगस है, पता नहीं क्या क्या बना रहे। और असलियत में खुदा पहाड़ निकली चुड़िया, ऊँची दुकान फीका पका, और कोई 2-3 मुहावरे फ्री में डाल। कप नूडल्स ना बड़े धोखा देते, कप नूडल्स से ज़्यादा धोखा तक कोई नहीं दे सकता। तब बढ़िया वो सूजी का उत्तपम बनाया था, उसके बाद पेट एकदम भर गया, फिर पता नहीं क्यों भूख लगने लगी एकदम से, सोचा कुछ बढ़िया सा खाऊंगा, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, डाइस पे आया 1 और खाने पड़े ये। दिस इज गॉन केस, मतलब जो होता है ना कि उम्मीद छोड़ दिया, खाने को देख के मैं हमेशा पिघल जाता था, बट यहाँ पे आके मैं सख्त बन गया। तो गाइस अभी कुछ 1 घंटे के बाद मैं वापस आ गया हूँ, आई थिंक हम लोगों ने 6:15 या 6:30 बजे वो पूरा ख़त्म करा था, और अभी टाइम हो रहा है 19:21, 7:21 हो रहे हैं मेरे को, और भूख लग रही है। चलो डाइस रोल करते हैं, देखते हैं क्या करें। वो मतलब मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरा पेट भर गया है वो खा के ना, वो कप नूडल टाइप से, पर मेरा मन नहीं भरा, क्या बेकार सा चीज़ था वो कप नूडल। पांडा जी इस बार कौन सा नंबर आया था, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा शेक किया था, इस बार ज़्यादा शेक नहीं करूँगा। ओ भाई साहब लुक एट दिस, मज़ा ही आ गया आज तो, जैसे कहते हैं ना एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़। सोच रहा हूँ डिनर ही बना लूँ, डिनर में अगर 2 चीज़ें मिल गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे 6 बजे तो लूडो पे घर खुल जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ सोचा। कोरिएंडर चिली चीज़ मैगी सैंडविच, मतलब अगर आपने मेरी मैगी चैलेंज देखा तो उसके अंदर मैंने कोरिएंडर चिली चीज़ ट्रिपल सी मैगी बनाई थी, और सैंडविच चैलेंज में तो सैंडविचेस बनाए थे, तो मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, वो मैं खाता हूँ कभी, और बहुत कमाल का लगता है। पर अभी दिक्कत क्या है, घर में ब्रेड नहीं है, और मेरे को वैसे भी कुकिंग पार्टी के लिए शूट करना है, तो वो पूरा ब्रेड लानी है, ट्रायल्स वगैरह करने हैं कुछ। तो अभी टाइम हो रखा है 7:30 बजे, नीचे जाता हूँ मार्केट में, और कुछ कुकिंग पार्टी के और 2-3 रेसिपीज के लिए सामान लेके आना है, और उसके बाद आके फिर बनाएंगे हम लोग कोरिएंडर चिली चीज़ मैगी सैंडविच इन सैंडविच टोस्टर।
तो जी मार्केट जाके आ भी गए हैं और कुकिंग बाजी का कुछ कुछ ना ट्रायल्स कर रहा था, कुछ मीठा बना रहा हूँ मैं, मतलब मीठे की रेसिपी की अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। एक बार वो सक्सेसफुल निकल जाए और उसका टेस्ट अच्छा आ जाए और सब कुछ आ जाए तो मैं उसको कुकिंग बाजी पर लाइव करूँगा, तो वो अभी मैंने करा। तो तब तक ये सारा काम मैंने करा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया है जी हमने, कोरिएंडर चिली, बस कोरिएंडर चिली मैगी बनाई है, चीज नहीं डाला इसमें, ची नहीं डाला, कोरिएंडर चिली ची मैगी में से ची निकल गया, ची निकल के क्या आ गया जी, बी आ गया जी, बाउंटी आ गई जी। मैंने सोचा यार मीठा जो आप द्वारा डिवाइस क्या रोल करूंगा, तो एक इंग्रेडिएंट जो है मैंने चॉकलेट ले लिया, वो छोटे छोटे जो होते हैं ना एक लेयर टाइप की, उसका 10 रुपए का ये बाउंटी का वो होता है घर में पड़ी हुई, मेरे को बड़ी पसंद है, तो मतलब इतनी बड़ी बाउंटी की बार ना खा के एक छोटी सी बाउंटी की टॉफी खा लो सही रहता है। तो ये मैंने चीज की बजाय इसको ट्रेड कर दिया है, चलता है कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनाया जी मैंने ब्रेड सैंडविच, मैं जब भी ये मैं ब्रेड सैंडविच इतने टाइम से बना रहा हूँ, और वो जो मैंने आपको सैंडविच मेकर दिखाया ना अभी पीछे, वो घर में सिर्फ पड़ा ही इसलिए और किसी काम का नहीं है, वो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ हर 2-3 महीने में एक बार, ब्रेड लेता हूँ उसके अंदर मैगी डालता हूँ और ऐसे बनाता हूँ। मैं बचपन में 11th 12th में इतने मैंने ये सैंडविच खाया ना, ओए होए, और ये हमेशा एक चम्मच मैं बचा के रखता हूँ मैगी ऐसे खाने का, ये वाली जो है ये सैंडविच में खाऊंगा और ये एक चम्मच मैगी अलग से खाऊंगा। तो भाई मैगी एक इंग्रेडिएंट, ब्रेड एक इंग्रेडिएंट, बटर एक, टोटल 3 इंग्रेडिएंट हो गए, कोरिएंडर धनिया एक इंग्रेडिएंट 4, चिली हरी मिर्च डाली 1 इंग्रेडिएंट 5, और उसके बाद 6th इंग्रेडिएंट हमारा हो गया बाउंटी का, टोटल हो गए 6। चलो जी टेस्टिंग करते हैं इसकी कैसा है, लास्ट मील कह लो दिन की, डाइस में 6 आया तो 6 से मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता था, बट वो इतना गंदा उसका टेस्ट था ना, मेरे को था कि भाई कुछ अच्छा मैगी टाइप का कुछ खाना है, मतलब इतने गंदे नूडल्स खाने के बाद बंदे को लगता है यार जब हमारी मैगी इतनी बढ़िया बन सकती है तो क्यों क्यों वो गंदे नूडल्स खाए, तो वो मैगी की एकदम से तलब हो गई थी, तो वो अभी पूरी कर रहे हैं हम लोग। वही सेम टेस्ट, बहुत फिर लोडेड मैगी सैंडविच। ओ भाई साहब मजा आ गया, जो वो इंस्टेंट नूडल्स खा के जो मन खराब हुआ था ना, सारा मन खुश हो गया मैगी सैंडविच खा के। खैर अब जिस चीज के लिए हम लोगों ने मैगी से चीज बेदखल करी है उस चीज को भी खा लेते हैं। बाउंटी मेरे को बहुत पसंद है, बाउंटी मतलब अंदर से कोकोनट बाहर से चॉकलेट, एक नंबर स्वाद। अब रहती हूँ, ये था जी रोल द डाइस 24 आवर फूड चैलेंज। और ऐसा कौन सा चैलेंज देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बिल्कुल वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। ट्रैवलिंग बाजी और कुकिंग बाजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मंडे को ही दोनों चैनल्स पे एक एक वीडियो डाली है, रोज वीडियोस आती है, कभी ट्रैवलिंग बाजी कभी कुकिंग बाजी कभी वेजी बाजी पे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन दोस्तों, हर दिन को संडे की तरह जियो और जिंदगी के मजे लो दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। बाय बाय, टेक केयर।